हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। हम लोग कर रहे थे हमारे आरडी शर्मा से चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सामने हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो है हमारा 1/3 माइनस रूट एट माइनस 1/√8 माइनस रूट सेवन प्लस 1/√7 माइनस रूट सिक्स माइनस 1/√6 माइनस रूट फाइव प्लस 1/√5 माइनस 2, इसको पूरे को हमें 5 के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? इसमें जैसा कि हमें दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर्स हैं, तो हमने पहले भी किया है कि हमें इसमें रैशनलाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज आप लोगों को आता है, कैसे करते हैं कि ये 3 -√8 है तो 3 + √8/3 + √8, फिर माइनस का 1/√8 माइनस रूट सेवन है, मल्टीप्लाई करेंगे √8 + √7, √8 + √7 प्लस में 1/√7 माइनस रूट सिक्स है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √6, √7 + √6, फिर है 1/√6 माइनस रूट फाइव, मल्टीप्लाई करेंगे √6 + √5 अपॉन में √6 + √5। ये है, मैं इधर लिख रहा हूँ, 1/√5 माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1√5 + 2 अपॉन √5 + 2। इस पूरे को हमें 5 के इक्वल करना है। तो आपने ये LHS ले लिया, आप सिर्फ LHS ले लो, ठीक है। तो आपको इसको RHS के बराबर प्रूव करना है, जो कि बराबर है 5 के, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा यही आ जाएगा 3 + √8। नीचे आपको पता है कि हमेशा जो आइडेंटिटी लगती है वो होती है a - b a + b इज इक्वल टू a² - b² तो ये a - b a + b है, तो इनको बनाओ a² - b² बीच में माइनस, ये √8 + √7, ये भी पूरा √a² - b² फिर इनके बीच में क्या है प्लस √7 + √6 अपॉन a² - b² फिर बीच में क्या है माइनस, ब्रैकेट लगा के √6 + √5 अपॉन a² - b² फिर बीच में प्लस, ऊपर लगेगा √5 + 2 आएगा और नीचे आएगा a² - b² √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, तो √3 सॉरी 3 + √8, आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और √8 का स्क्वायर 8 होता है, तो 9 - 8, फिर बीच में माइनस है, ब्रैकेट √8 + √7 और नीचे √8 का स्क्वायर 8 होता है माइनस √7 का स्क्वायर 7 होता है, फिर प्लस √7 + √6 और नीचे √7 का स्क्वायर 7 होता है और 6 का स्क्वायर 6 होता है √6 का स्क्वायर, फिर माइनस रूट, ब्रैकेट लगा के √6 + √5 और नीचे √6 का स्क्वायर 6 होता है माइनस √5 का स्क्वायर 5 होता है, लास्ट √5 + 2 और नीचे √5 का स्क्वायर 5 होता है और माइनस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब इसके आगे ऊपर से रब कर रहा हूं, अब आप देखेंगे कि सबके नीचे देखो 9 - 8 कितना आएगा 1, तो इसके नीचे कितना आ गया 1, इधर कितना 8 - 7, इधर भी कितना आ रहा है 1, 7 - 6 कितना आ रहा है 1, 6 - 5 कितना आ रहा है 1, 5 - 4 1, सबके नीचे 1 आ रहा है। सबके नीचे जब 1 आ रहा है तो आपको पता है फ्रैक्शन में कभी भी अपॉन में 1
नहीं लिखते। तो अब हम अपॉन का हटा देंगे, सिर्फ ऊपर वाले न्यूमिरेटर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप देखें न्यूमिरेटर में क्या है, 3 प्लस रूट 8। अब देखो आगे आ गया माइनस, और माइनस के बाद है ब्रैकेट के अंदर एक टर्म। आपको पता है जब भी ऐसा होता है तो ये माइनस का साइन जो होता है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन को चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, ब्रैकेट अगर नहीं होता तो हमें लगता कि सिर्फ रूट एट के आगे माइनस है। ठीक है, हमें रूट सेवन के आगे प्लस लगा देते और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता। इसीलिए आपको ध्यान रखना है जब भी माइनस आए तो आपको टर्म को ब्रैकेट में ले लेना है, तभी आप उसके दोनों के साइन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप दोनों के साइन को चेंज करेंगे, इधर भी आप दोनों के साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बना देंगे इसको माइनस का रूट एट, माइनस का रूट सेवन, प्लस का रूट सेवन, फिर आगे प्लस का रूट सिक्स, फिर आगे माइनस का रूट सिक्स, फिर आगे माइनस का रूट फाइव, फिर आगे प्लस का रूट फाइव, और आगे प्लस का टू। तो आप देख सकते हैं इस रूट से ये रूट एट कट जाएगा, माइनस के रूट सेवन से प्लस का रूट सेवन कट जाएगा, प्लस के रूट सिक्स से माइनस का रूट सिक्स कट जाएगा, माइनस के रूट फाइव से प्लस का रूट फाइव कट जाएगा, और आगे बचा थ्री और पीछे बचा टू, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, फाइव। और शायद हमें यही प्रूव करना था कि ये फाइव के बराबर है, तो ये बराबर हो गया आर एच एस के। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना। ऐसी और क्वेश्चन है, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है और चार नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये रैशनलाइजेशन से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन नहीं है पर हम यहाँ पे करेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। तो आप इसको समझे ध्यान से कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू टू प्लस में रूट थ्री, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी के और पार्ट मैंने, वैसे आपके बुक में सिर्फ ये सिर्फ एक पार्ट था पर मैंने इसको और समझाने के लिए आपके दो पार्ट और इसमें बना दिए। तो ये भी आप समझेंगे कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, ये दो एक्स्ट्रा हम इसके अंदर इसी पार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि सबसे पहले कि इसमें है क्या, कि आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस में रूट 3 और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स तो आपके पास है पर एक वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको वन अपॉन एक्स चाहिए, ठीक है। तो वो वन अपॉन एक्स पहले आपको निकालना पड़ेगा, एक्स तो है आपके पास, अब आपको चाहिए वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का मतलब हो गया वन अपॉन में टू प्लस में रूट थ्री, ठीक है। और वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आएगा वन अपॉन में टू प्लस रूट थ्री। अब इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ठीक है ना। अब इसको आप रैशनलाइज करो, ऊपर तो आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री और नीचे आ जाएगा टू का स्क्वायर। हमेशा आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी यही लगेगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में आ रहा है 1, तो अपॉन में 1 तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, अपॉन में वन तो लिखेंगे नहीं। तो एक्स वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस रूट थ्री। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आता है और इस क्वेश्चन में एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि जो भी आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी जाएगी ना, हमेशा वन अपॉन एक्स की वैल्यू भी सेम टू सेम आएगी, बस बीच का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो बीच में माइनस लग के आ जाएगा, या आपको यहाँ पे पहले माइनस दे रखा होता तो यहाँ पे प्लस लग के आ जाता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन में फिक्स है ये पैटर्न, ठीक है। और हमेशा आपको ऐसी ही वैल्यू दी जाती है कि जिसमें इधर प्लस है, तो रैशनलाइज करने के बाद हमेशा यही वैल्यू आ जाएगी बस अपोजिट साइन के साथ, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। ये क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर अप्लाइड होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x और 1 अपॉन x को जोड़ दो, x प्लस 1 अपॉन x, इनको जोड़ दिया तो इनकी वैल्यू को भी जोड़ना पड़ेगा। जब आप x और 1 अपॉन x को जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यूज को भी जोड़ेंगे, तो x की वैल्यू थी 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन x की वैल्यू थी 2 माइनस रूट 3, तो इनमें जोड़ दिया 2 माइनस रूट 3। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो दो और दो कितने आ गए, 4। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो आपको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ध्यान रखना है a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह 1 अपॉन x लिखा हुआ है, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको नोट कर लो आप, फिर मैं इधर कराता हूँ, स्पेस नहीं उधर ज्यादा। इधर का आप नोट कर लेंगे तो आप देखें आगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और आप यहां पे देख सकते हैं एक एक्स ऊपर है एक एक्स वन अपॉन में है, यानी एक न्यूमिरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, x से x कट जाएगा क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी ऐसा होता है सेम वेरिएबल जब एक ऊपर एक नीचे होता है मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में कट सकते हैं। तो प्लस में आ गया 2 इज इक्वल टू आ गया 4 का स्क्वायर 16। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 2 माइनस कर देना है और आपकी वैल्यू आ गई x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस क्या करना होता है इसके लिए, आपको जो x की वैल्यू दे रखी है, आपको 1 अपॉन x निकालना है तो उसी को अपॉन में करके निकालेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे तो जो ये वैल्यू आई है बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, बस प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस का साइन दे रखा है तो उसकी जगह प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर उन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि प्लस का रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री कट गया तो वैल्यू आई 4। और हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो इनको जोड़ के आई वैल्यू 4, उसके स्क्वायर से 2 कम आता है, ठीक है, उसके स्क्वायर से 2 कम आता है, तो उसका स्क्वायर क्या 16 और उससे 2 कम, क्योंकि हमेशा क्या होगा, हमेशा ये प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। आपकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आती ना, हमेशा आपका क्या लगता है यहाँ पे, उसका स्क्वायर माइनस 2। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे कितना लिखा होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 की जगह ना 5 लिखा होता, तो जब आपके 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आती, ये आती 5 माइनस का रूट 3, और आप दोनों को जोड़ते ना तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाती, 5 और 5 10, तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, हमेशा इसके स्क्वायर से 2 कम, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और उससे 2 कम कर देते तो 98। तो मतलब आपको कोई भी वैल्यू दे दे तो हमेशा यहाँ पे प्लस का 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, और हमेशा उसके स्क्वायर से 2 कम वैल्यू आएगी। तो आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, वैसे आपके एग्जाम के लिए तो आपको पूरी लेंथ में लिखना है तो ये आप करेंगे, बट जैसे आप किसी क्विज में जाते हैं वहां पर आपको इनका आंसर ढूंढना है कुछ सेकेंड्स के अंदर, तो उसके लिए बस यही है, इसको
डबल कर दो इसको, कई बार, अच्छा फिलहाल समझ लो, इसको डबल कर दो और उसका स्क्वायर करके दो माइनस कर दो, इसको डबल कर दो, 5 का डबल 10, ठीक है, उसका स्क्वायर 100 और उसमें से दो कम, आंसर, ठीक है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बताता, अच्छा ये ट्रिक हो गई, ट्रिक की वैसे वैसे क्विज में जरूरत हो तो आपको लगा लेना, वैसे हमारे एग्जाम में ट्रिक्स काम नहीं करती, हमारे एग्जाम के लिए हमें पूरे लेंथ में आंसर लिखना पड़ेगा, तभी हमें पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तभी मिलेंगे जब आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। और अगर एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि आजकल आपके जो एग्जाम में का पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है, 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं, तो कई बार ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, तो अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको डबल किया, उसका स्क्वायर किया और उसमें से दो माइनस किया, आंसर, ठीक है, तो आप वहां पे लगा सकते हैं इसे। अच्छा तो हमारा x² + 1/x² निकल गया, अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट, x² + 1/x4। पावर 4 निकालने के लिए ना हमें पावर 2 निकालना जरूरी है, अगर आपको यहां तक जाना है उसके लिए यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है। अब पावर 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इस वैल्यू का फिर से स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से जो आपने वहां पे स्क्वायर किया था अब फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 आ जाएगा, फिर से करो, x² + 1/ ये बन जाएगा, सॉरी x² + 1/x² का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा x² / 2 की पावर 2 और 1/x² / 2 की पावर 2 और ये बन जाएगा 2x² / 1/x² इजिकल टू 14 का स्क्वायर 196, ठीक है ना। ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से एक स्क्वायर इसके ऊपर है, ये वाला जो स्क्वायर है वो यहां से आया, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर को खोल रहे हैं और एक स्क्वायर पहले से, तो x² / 2 की पावर 2 1/x² / 2 की पावर 2 a² + b² +2ab, तो 2 a की जगह x² और b की जगह 1/x² और 14 का स्क्वायर खोलोगे तो कितना आता है 196। तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है x की पावर 4, मैंने आपको बताया था ना a की पावर m और उसकी पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m * n, तो पावर के ऊपर पावर होते तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा, ये प्लस में 1/x की पावर 4 बन जाएगा, और यहां भी बिल्कुल वैसा ही सेम पैटर्न है जैसे आपने अभी तक किया है, यहां भी x² से x² कट जाएगा, बचेगा प्लस का 2 इजिकल टू 196, x² + 1/x² क्या हो जाएगा, इस 196 में से 2 माइनस हो जाएगा और x² + 1/x² आ जाएगा 194। समझ में आ रही बात, तो बिल्कुल सेम तरीके से जैसे यहां तक निकाला ना, इसके आगे बिल्कुल वही पैटर्न हमें फिर से प्रोसेस अपनाना है जो आपने पहले इसको निकालने के लिए किया था, कि वही आपने होल स्क्वायर खोला, प्लस का 2 दर्जा के माइनस का 2 हो गया, स्क्वायर में से 2 माइनस, फिर से अब देखो अब यहां तक आ गया आपका, अगर मैं बोलूं इससे और आगे निकालना है x² + 1/x² तब आप क्या करेंगे, फिर से आप इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर से इस 2 को ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो x² + 1/x² आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान पैटर्न है, ठीक है, बस एक बार आप सीख ले तो आप सारे क्वेश्चन एक ही तरह से कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंट, इससे अब हल्का सा हटके क्या है, x³ + 1/x³, तो अब हम इसको समझ लेते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, चलिए तो देखते हैं हमारा लास्ट इसका पार्ट, कि एक्स की अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमें 2 दे रखा था, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 + √3 है तो हमें निकालना है x³ + 1/x³, ये कैसे निकालते हैं, चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं, फिलहाल
ये समझ लेते हैं, और इसके बाद एक और हम समझेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें स्टार्टिंग में तो वही करना पड़ेगा भाई जो हमने स्क्वायर वाले में किया था, कि x की वैल्यू है हमें निकालना 1 अपॉन x की वैल्यू। 1 अपॉन x मैंने आपको समझाया था अभी कैसे निकालते हैं, 2 प्लस रूट 3 है, तो रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, 1 अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस रूट 3, और नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही आएगा जो हमारा पहले आया था, 1 अपॉन x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में रूट 3, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 4 माइनस 3 तो बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखते, अभी हमने किया था इससे पहले। ठीक है, और फिर से हमें निकालना है प्लस, प्लस निकालना है तो इसको प्लस कर दो ऑन एडिंग, इक्वेशन का नाम डाल देना चाहो तो इसका इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जोड़ दो, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस में 2 माइनस रूट 3, और फिर से वही होने वाला है कि प्लस का रूट 3 से माइनस का रूट 3 कट जाएगा, तो आपको पता है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यहां तक हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यही यहां तक हम पहुंच गए, सेम टू सेम सेम स्टेप्स है, बस थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा। हमें जब स्क्वायर निकालना था हमने स्क्वायर कर दिया था बोथ साइड, अब हमें क्यूब निकालना है तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, तो क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वहां पे हमें स्क्वायर निकालना था हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी थी, यहां हमें क्यूब निकालना था हम बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो भाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। अब यहां पे एक बात नहीं आ जाती है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, यहां पे अब एक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे तो ये आपके सेकंड चैप्टर में आने वाला है, तो वैसे तो ये आपके सेकेंड चैप्टर में आता है, पर हम अभी समझ लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे आप ये पढ़ेंगे 2.5 में, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, और ये आपको याद करना है क्योंकि आपके सेकेंड चैप्टर में भी इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, और मैं क्या कर सकता हूं, आप देख सकते हो यहां पे 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, तो इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, और कॉमन क्या है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 लिख दिया, a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो a लिख दिया, b इसमें भी आ रहा है और b इसमें भी आ रहा है, तो b भी लिख दिया, तो ब्रैकेट लगाएंगे। आपको कॉमन लेना आता है कि कॉमन जब भी लेते हैं तो जो कॉमन चीजें होती है उनको बाहर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं, और जो भी अनकॉमन चीजें होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे कॉमन आ गया 3ab, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर का मतलब दो बार a है, जिसमें से एक बार आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितनी बार बच जाएगा, एक बार, तो अंदर बच गया a। यहां आप देखेंगे कि 3a बाहर आ गया, यहां देखेंगे आप b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है तो यानी दो बार b है, जिसमें से एक बार आपने बाहर निकाल लिया है तो अंदर कितनी बार बच जाएगा, एक बार, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस इनटू में a प्लस b। तो आप इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी है, पर
हमारे इस क्वेश्चन में जो अप्लाई होने वाला है वो ये वाला तरीका इस्तेमाल होगा, ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये अभी फिलहाल मैंने आइडेंटिटी आपको समझाई है, आप जब इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे तो सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। यहाँ पे आपके लिए नई थी तो मैंने आपको समझा दिया पहले कि ये आइडेंटिटीज होती हैं, आपको लिखना सिर्फ यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। मैं इधर का रब कर रहा हूँ, आपको आता होगा, ये तो हमने किया था अभी पहले भी, ठीक है, वैसे भी नोट कर लेना आप। तो हम देखें, अगर मैं इसको इस फॉर्म में खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये है x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब। आपको इसे a प्लस बी के होल क्यूब में खोलना है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो देखो ए क्यूब यानी x का क्यूब, बी क्यूब यानी वन अपॉन एक्स का क्यूब, इंटू में थ्री ए बी, थ्री ए की जगह x, b की जगह वन अपॉन एक्स, इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आपको क्या करना है, फोर का क्यूब। फोर का क्यूब कितना होता है, 64। फोर का क्यूब होता है 64, ठीक है। अब आपको यहां पे सॉल्व करना है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये तो ऐसे ही रहेंगे, यहां आप देख सकते हैं फिर से x ऊपर और x नीचे, तो ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा, तो ये बचेगा 3। और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, आपने इसकी वैल्यू निकाली थी 4। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, 4। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 4 इज इक्वल टू 64। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा ये 12, 4 3 जा 12, अब ये 12 यहां पे प्लस हो रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 64 माइनस 12, और 64 माइनस 12 करोगे तो आंसर आएगा 52। तो ये आ गया आपकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो एक बार इसको आप ध्यान से देखिए और इसे नोट करिए। अब हम इसका सेकेंड टाइप करते हैं, जिसमें प्लस की जगह हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब वाला, ठीक है। फिलहाल इसको समझ लीजिए आप। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, जिसके अंदर हमें समझना है कि एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको 2-3 बार करा दिया, तो मैं ये मान लूं कि आपको यहां तक निकालना आता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। पहले आप वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा 2 माइनस रूट 3, और आप जब दोनों को जोड़ देंगे तो सॉरी वन अपॉन एक्स की वैल्यू आप निकाल लेना, वन अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 3 यहां तक, ठीक है, यहां तक आप निकाल लेंगे रैशनलाइज करके, ठीक है। यहां तक मैं मानता हूं कि आप लोगों को आ गया होगा। अब हमें लास्ट निकालना था एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। अब क्योंकि माइनस में निकालना है तो इस बार हम जोड़ेंगे नहीं, इस बार हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इस बार हमें जोड़ना नहीं है, इस बार हमें इनको माइनस करना है। तो आप निकालेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स का, पहले इनको माइनस कर दो, ठीक है, फिर क्यूब करेंगे, पहले माइनस करते हैं। तो इस बार आएगा 2 प्लस रूट 3, और प्लस में 2 माइनस में रूट 3, सॉरी माइनस में 2 माइनस में रूट 3। अब बनेगा x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। अब ये जो माइनस का साइन है ये अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का रूट 3। इस बार 2 से 2 कट गया, जब हम प्लस प्लस करते थे तो रूट वाले नंबर कट जाते थे, पर जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर कट गए, होल नंबर्स एंड रूट वाले नंबर्स बच गए। और इस बार x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी रूट 3 और रूट 3, 2 रूट 3। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट 3। और इसके बाद हमें पता है, जैसे हमने प्लस वाले का होल क्यूब किया था, क्यूब निकालने के लिए हमने इसका होल क्यूब किया था, तो इस बार माइनस का क्यूब निकालना है तब भी हमें होल क्यूब ही करना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे फिर से ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, फिर से क्यूब कर दो, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब
इज इक्वल टू 2√3 का होल क्यूब। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी लिखवाई थी ए प्लस बी का होल क्यूब की। करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² स्क्वायर, इसका ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया तो वो काम हम इसमें भी कर सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3ab, मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 3ab। तो जब आप माइनस का 3ab कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बाहर आ चुका है, a बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है, पर यहां ए स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया a, तो एक बच गया अंदर। अब देखो आपने माइनस भी लिया कॉमन, आपने कॉमन क्या लिया है माइनस, पर बीच में क्या है प्लस। तो आपको एक बात पता है कि माइनस गुना में, आपने ये चीज पढ़ी है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो अगर आपने एक माइनस बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, एक माइनस, ठीक है। अब ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा बीच में माइनस। अब 3 कॉमन आ चुका है, a कॉमन आ चुका है, बचा क्या b, तो यहां पे हमने क्या लिखा b। तो a माइनस बी का होल क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। तो ये भी आपका आइडेंटिटी है a माइनस बी के होल क्यूब की। और इस वाले क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करेंगे, होने को तो दोनों एक ही चीज है, बस हमने इसमें कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अब हमें अप्लाई वाले में, अब x माइनस वन का, x माइनस वन अपॉन x का होल क्यूब क्या होता है, ये बनेगा माइनस वन अपॉन x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, और माइनस 3ab माइनस 3x इंटू वन अपॉन x, फिर वन अपॉन x इज इक्वल टू, इधर किसका स्क्वायर क्यूब हो रहा है, 2√3 का क्यूब। और 2√3 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 का क्यूब होता है 8 और √3 का क्यूब होता है 3√3, ठीक है ना। आप दोनों का कितना होता है 8, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। और जब √3 का क्यूब करोगे तो दो बार √3 मिलके तो 3 बन जाएगा और एक √3 बच जाएगा, तो 3√3। यहां पे आप माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस में एक्स एक्स कट जाएगा 3, हमने कितनी निकाली थी 2√3, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल टू 8 3 जा, तो इसकी एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6√3 इज इक्वल टू 24√3। अब ये जो माइनस का 6√3 है का, ठीक है, यहां तक आप देख लो, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इधर से मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लो आप लोग ये पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर, वीडियो रोक के आप पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। अब ये जो माइनस का 6, तो 24√3 प्लस का 6√3, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इजिकल टू हो जाएगा 30√3, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस थोड़े थोड़े से इनके जो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो उसके वजह से हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ता है। अब हम इसका एक और टाइप करेंगे, उसके बाद हम अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमारे इससे रिलेटेड लास्ट टाइप बची है वाली, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 7 + 4√3, तो हमें फाइंड करना है √x + 1 / √x, ठीक है।
तो अभी तक हम इस एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, एक्स क्यूब फाइंड कर रहे थे, इस बार हमें रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ये किसी का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है ना, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? रूट एक्स की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? रूट एक्स की। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स के वैल्यू को इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब इसको चेक करिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आप अप्लाई करके देखिए कि हम किसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल सकते हैं क्या। ठीक है, तो मैं इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेवन को फोर प्लस थ्री। ठीक है, हमें इसको चेंज करना है एक्स प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो मैं सेवन को ऐसे लिख सकता हूं फोर प्लस थ्री। तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब इसके आगे इस फोर रूट थ्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस फोर रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं, टू इंटू टू इंटू रूट थ्री। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि फोर का मतलब क्या, टू टू जा फोर और रूट थ्री। ठीक है, अब ये 4 जो है किसका स्क्वायर है एक्चुअल में, 2 का। ये 3 जो है किसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जब ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये अपने रूट का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अब आपको ये देखने को लग रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनता जा रहा है, कि ये 2 का स्क्वायर ये रूट 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ना होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको ऐसे ही समझना है, ये जो वैल्यू दी जाएगी आप लोगों को, तो आपको इसमें से ढूंढना है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको चेक करना है कि कैसे हम इसको ब्रेक करें ताकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाए। और उसको पता करने के लिए आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में पीछे वाले टर्म को देख के पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको कैसे पता लगाया कि ये 2 प्लस रूट 3 का ही होल स्क्वायर बनेगा, मैंने देखा कि पीछे क्या है, पीछे है 4 रूट 3। अब आपको आइडेंटिटी पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, आइडेंटिटी पता है कि हमेशा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमेशा ये 2 तो आएगा ही आएगा, ये 2ab में 2 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब इस 4 रूट 3 में से एक फैक्टर 2 तो है ही। ठीक है, इस 2ab का 2 ये है, और इसके बाद जो बच गया उनमें से एक फैक्टर जो होगा वो a होगा और दूसरा फैक्टर जो होगा वो b होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये 4 किस दो पार्ट में टूट सकता है। तो मैं इस 4 को लिख सकता हूं 2 2 जा 4, और जो बच गया क्या, रूट 3। ठीक है, तो यहां से ये बन गया 2, ये बन गया a और ये बन गया b। तो इस तरीके से मैंने पता लगाया कि ये कैसे ब्रेक होगा और इसका ये किस चीज का होल स्क्वायर बनेगा। अगर मान लो आपको कुछ दिया होता 11 प्लस 6 रूट 2, 11 प्लस 6 रूट 2, अगर आपको ये वैल्यू दी होती 11 प्लस 6 रूट 2, तो आप इसको कैसे तोड़ते? तो हम इसमें करते कि आप देखते ये 6 रूट 2 कैसे टूट सकता है। इस 6 रूट 2 में से एक वैल्यू तो 2 है ही 2ab के लिए। ठीक है, इस 2ab का 2 तो है ही, और क्या बचेगा, ये 6 को आप कैसे तोड़ेंगे भाई, 2 का टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 जा 6। तो ये 2 और a की जगह क्या आ गया 3, और b की जगह क्या आ गया रूट 2। तो a आपका बन गया 3 और b आपका बन गया रूट 2, और इधर आप देखेंगे रूट 3 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 9 और 2 क्या बन जाता है 11। तो ये ऐसे बनेगी वैल्यू, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो आपको इस फॉर्म में a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना सीखना है कि आप इसको कैसे
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सीख लिया कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने इस लास्ट के 4√3 को देखा और मेरे को पता चल गया कि इसमें से एक 2ab का 2 है, एक 2 मल्टीप्लाई में जो a की वैल्यू है और ये √3 जो है वो इस b की वैल्यू है। ठीक है, तो ये बन गया 4 + 3 + 2√2 × √3, तो ये बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर वहां जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट। तो √x बराबर आ गया 2 + √3। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2 + √3। हमें चाहिए x प्लस 1/√x, तो ये रूट एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए 1/√x, 1/√x के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपॉन में कर देंगे, 1/ में 2 + √3। और जब आप इसको अपॉन में कर देंगे तो आप इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हैं, 1/ में √x बराबर कितना आ जाएगा, 1/ में 2 + √3, और मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर तो 2 - √3 आ जाएगा और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, और ये हमने पहले भी सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू आती है 2 - √3, और नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस होके क्या आ जाएगा, 1, और नीचे हम 1 लिखते नहीं, आपने एक वैल्यू पहले भी सॉल्व करी है। और फाइनली आपको करना क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x। तो ये वैल्यू है रूट एक्स की इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू है 1/√x की इक्वेशन नंबर 2, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस। तो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस कर देते, इधर प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई, इनकी वैल्यू आ गई 2 + √3, प्लस में 2 - √3, और आप देख सकते हैं प्लस के रूट थ्री से माइनस का रूट थ्री कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी इसकी एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 4। तो ये आपका आंसर आ गया 4, एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जो भी पॉसिबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, अब हमारे थोड़े से और क्वेश्चन बच जाते हैं जो रिलेटेड है हमारे चैप्टर नंबर 1 से, आरडी शर्मा में। ठीक है, जो दो चार टाइप बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।